हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शेखर और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बोरोलिन कैलिन इम्प्रूव लाइट हेयर ऑयल के बारे में। ये एलिन बोरोलिन कंपनी का जाने माने हेयर ऑयल है जो कि हेयर फॉल और डैंड्रफ कंट्रोल के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। ये जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ही अलग अलग कारण से हो सकते हैं। ये नहीं सिर्फ हर एक को सिर्फ ऑयल की कारण से ही डैंड्रफ होता है, और भी कारण होता है हेयर फॉल का, डैंड्रफ का। हेयर फॉल का जो कारण नंबर वन हो सकता है कि स्ट्रेस के लिए दिखा गया है कभी कभी हेयर फॉल होते हैं। उसके लिए सिर्फ हेयर ऑयल लगाने से नहीं होगा, उस स्ट्रेस को ठीक करने के लिए उसे मेडिटेशन, योगा और साथ साथ दवाई उसको लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है लैक ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। शरीर में अगर प्रोटीन की कम हो तो उसके कारण बाल झड़ जाते हैं, हेयर फॉल होते हैं। उस हालत में आपको प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर और खाने में ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉब्लम। पिट्यूटरी ग्लैंड यह ग्लैंड है, इससे अगर कोई सीक्रेशन का प्रॉब्लम हो तो वो उसके कारण हेयर फॉल हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि एनीमिया, खास करके फीमेल लोग को एनीमिया की अगर प्रॉब्लम रहे तो उसका बाल झड़ना, चाहे वो कितना ही हेयर ऑयल लगाए कुछ नहीं होगा। इसके लिए उसको एनीमिया की ट्रीटमेंट लेना होगा, आयरन रिच फूड खाना होगा। और नेक्स्ट है विटामिन बी डेफिशिएंसी। विटामिन बी के डेफिशिएंसी के कारण दिखा जाता है बाल झड़ते दिखा जा रहा है, यह बाल झड़ने का एक बहुत बड़े कारण होता है। नेक्स्ट जो फीमेल में होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी और पीसीओएस एक ही बात है। उसके कारण शरीर में जो हार्मोन का बैलेंस रहता है वो डिस्टर्ब होता है, और मेल और फीमेल हार्मोन में इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये जो हार्मोन्स है शरीर का उसमें से डिस्टर्बेंस आते हैं, इसके कारण बाल झड़ते हैं। किसी किसी टाइम में देखा जाता है कि लड़की लोग का फेस में, गाल में बाल आने लग गया, मोटापा आने लगा, पीरियड की प्रॉब्लम आने लगे, ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम होता है पीसीओडी में। इनफर्टिलिटी रहते हैं, पीरियड ठीक से नहीं होना, ये पीसीओडी का सिम्टम है। नेक्स्ट है आयरन डिफिशेंसी। आयरन डिफिशेंसी के कारण बाल झड़ सकते हैं, इसे आपको आयरन रिच फूड खाना होगा, आयरन टैबलेट लेना होगा। उस वक्त अगर सिर्फ ये आप हेयर ऑयल लगाए तो ये कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट है जिंक। जिंक भी शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल्स है जो कि हम लोग का हेयर का ग्रोथ और उसका साइन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद आते हैं कॉपर और विटामिन B7 और बायोटिन। विटामिन B7 ये दिखा जाता है कि स्किन को प्रोटेक्ट करता है, इसकी डेफिशिएंसी में थिनिंग ऑफ स्किन यानी चमड़ा पतला हो जाना और स्किन में रैश आना, ये विटामिन B7 और बायोटिन की अभाव में होते हैं। कॉपर के कारण में भी स्किन में रैश आते हैं। कॉपर डिफिशियंसी में भी दिखा जाता है कि बाल झड़ते हैं, स्किन में डिसकलरेशन आते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें विटामिन ई और उसका और एक नाम है टोकोफेरॉल।
जो कि एलिन में मिलाया गया है विटामिन ई। इसमें एक्टिव आंवला दिया हुआ है, आंवला एक्स्ट्रैक्ट के साथ साथ इसमें विटामिन ई है। आंवला जो कि विटामिन सी का एक सोर्स है और विटामिन ई ऑयल जो कि एलिन में दिया गया है। यानी आंवला और विटामिन ई दोनों मिला के ये एलिन बना हुआ है। विटामिन ई और टोकोफेरोल इसको एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर बोला जाता है। विटामिन ए की ई की डेफिशिएंसी से देखा जाता है स्टेरिलिटी आता है, मेल और फीमेल में बांझपन आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, विटामिन ई हम लोग का शरीर को अल्ट्रावायलेट रे के रेडिएशन से बचाते हैं। हम लोग जब धूप में घूमते हैं तो शरीर में अल्ट्रावायलेट रे सन लाइट का साथ साथ आते हैं और हमारा शरीर उस शरीर को डैमेज करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सनबर्न। ये सनबर्न का इफेक्ट को कम करने के लिए विटामिन ई बहुत ही हेल्पफुल है। सनबर्न को रोकने के लिए विटामिन ई हम लोग का शरीर को डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं। नेक्स्ट होता है एटैक्सिया और मूवमेंट डिसऑर्डर। विटामिन ई का डिफिशियंसी अगर हुआ तो शरीर में मूवमेंट का प्रॉब्लम होगा, इसको कहते हैं एटैक्सिया। ये विटामिन ई का एक कारण में हो सकता है। और उसके साथ साथ विटामिन ई ऑयल अगर फॉर्म में है, विटामिन ई का ऑयल हम लोग का स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और इसके साथ साथ उसका इन ओन हीलिंग प्रॉपर्टी दिखा गया है विटामिन ई ऑयल में। ये शरीर का ड्राइनेस सूखापन दूर करते हैं और अगर कहीं अगर कट गया, कोई हील ओंड हुआ तो उसको हील करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट विटामिन ई का देखा जाता है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। विटामिन ई शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होता है उस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। जो फ्री रेडिकल्स कैंसर के कारण हो सकते हैं, कैंसर होने का बहुत सारे कारण है, उसमें से एक है शरीर में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हो जाना, जो कि हम लोग का शरीर में ऑक्सीडेटिव सेल डिवीजन के बाद ऑक्सीडेटिव सेल डिवीजन होने के लिए फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में अपने आप तैयार होते हैं, जिसके कारण हम लोग का शरीर उम्र बढ़ते हैं, बूढ़ा होते हैं, स्किन का चेंज आते हैं। ये शरीर में फ्री रेडिकल्स जितना उम्र जाते हैं शरीर में फ्री रेडिकल जमते रहते हैं। अब किसी का ये जमना रेट ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। जिसको जितना जल्दी फ्री रेडिकल शरीर में जितना ज़्यादा जितनी जल्दी जमने लगेगा, जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल शरीर में रहेगा वो उतने जल्दी बूढ़ा होने लगेगा। और ये विटामिन ई स्किन कैंसर से भी फाइट करने में और उसको प्रिवेंट करने में कुछ हद तक हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो आंवला दिया है, आंवला में ज़्यादातर है विटामिन सी। विटामिन सी का बहुत ही अलग अलग फंक्शन है। जैसे नंबर वन रेड सेल मैचुरेशन, हम लोग का जो आरबीसी है उसको तैयार होने में बनने में विटामिन सी का बहुत ही इफेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट होता है हम लोग का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हेवी मेटल। शरीर में हम लोग का शरीर में बहुत तरह का हेवी मेटल जैसे लेड और बहुत सारा का
हैवी मेटल शरीर में घुसता है, जिसे हमारे शरीर को बाहर निकालने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये विटामिन सी हमारे शरीर में जमा हुआ हैवी मेटल को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, हमारे शरीर को क्लीन करते हैं बाहर से आया हुआ फ्री मेटल्स हैवी मेटल्स से। और उसके साथ साथ विटामिन सी एंटी इन्फेक्शन का काम करते हैं, इसीलिए ये एलिन जो हेयर ऑयल सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए नहीं, अगर स्काल्प में इन्फेक्शन है, खुजली है, दांत है, डैंड्रफ है, इसमें भी ये एलिन ऑयल इफेक्टिव है। इसीलिए इसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है इसका जो फंक्शन। एक्टिव आमला इज स्पेशल ब्रांड ऑफ प्योर होममेड आमला एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई। ये आमला ये कोई केमिकल फैक्ट्री से नहीं, ये होममेड आमला है, ये पूरी तरह प्योर है, ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल इसमें दिया गया नहीं है। आमला इज द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी, इट मेक योर हेयर स्ट्रॉन्ग एंड लिस्टरस। ये हम लोग का स्किन को हेयर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इसको शाइनिंग करते हैं, और ये ज़्यादा लास्टिंग करते टूटते नहीं हैं। आंवला प्रिवेंट डैंड्रफ। आंवला में जो विटामिन सी रहता है वो विटामिन सी सेल डैमेज को स्टॉप करते हैं। एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टी आंवला में है, जो विटामिन सी जिसमें आंवला है, यानी विटामिन सी उस आंवला में रहते हैं, इसीलिए आंवला दूसरे काम साथ साथ एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टी भी आंवला में रहते हैं। और विटामिन ई जो कि मैंने बताया बहुत सारी भूमिका है उसमें, वो है अल्ट्रा वायलेट रे से बचाना, सनबर्न से बचाना, हमारी स्किन को शरीर में अल्ट्रा वायलेट रे के कारण स्किन में जो डैमेज होता है उससे उसको सेफ करता है। यूज एलिन एक्टिव आमला एवरी डे एंड मेक योर हेयर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रेडी फॉर एनी हेयर स्टाइल यू वॉन्ट। अब उसका जो 100 ml का प्राइस 40 rupees है, जो कि बहुत ही अवेलेबल और सस्ता है, और ये इम्प्रूव ये बोरोलिन्स लाइट हेयर ऑयल, और ये हेयर ऑयल बहुत ही लाइट है, आप दे सकते हैं, इसमें चिपचिपाहट एकदम भी नहीं है। आप इसे यूज़ करें हेयर फॉल के लिए, हेयर शाइनिंग के लिए, यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, यह बहुत अच्छी ऑयल है। अगर इसके साथ साथ हेयर प्रॉब्लम के लिए आपको कोई भी दवाई चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन हेयर ऑयल आपको ये एलिन हेयर ऑयल लाइट हेयर ऑयल आपको चिपचिपाहट नहीं लगेगा, और साथ साथ इसमें जो विटामिन ई और सी है जो आपका हेयर का बहुत अच्छी से ख्याल रखेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।